जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी वीडियो कल शाम से जो है वो शुरू हो रहा है। दिन है बृहस्पतिवार का, शाम का जो है वो टाइम है। मैं सेक्टर एक में आई थी और ये सेक्टर एक का पार्क है, देवीलाल पार्क जो है वो है। और मैं यहाँ ना मेरी एक गायना डॉक्टर हैं जो वो रहती हैं, तो मैं कुछ चेकअप के लिए आई हुई थी क्योंकि मेरी दवाइयाँ वगैरह ख़त्म हो गई थी और मुझे दिखाना था। लास्ट मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उससे रिलेटेड मेरी दवाइयाँ जो है वो चली हुई है, तो वही दिखाने आई थी। और पास में मैं बच्चों को साथ लेकर आई थी, ये साथ में पार्क है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा बच्चों को यहाँ खिला लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम घर वापस चले जाएंगे। और साथ में यहीं पे एक नुक्कड़ नाटक आप देख रहे हो, एक साथ बहुत सारे आदमी जो इकट्ठे हो रखे हैं, तो यहाँ पे ना नुक्कड़ नाटक जो है वो चला हुआ था। गर्मी में जो है जल को बचाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। ये आई थिंक जाट कॉलेज के बच्चे थे शायद, जहाँ तक मुझे मैं आइडिया लगा पाई थी, तो ये जाट कॉलेज के बच्चे थे। और अभी जो है मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और ये जो मैंने कुर्ती पहनी हुई ना, इसका जो है वो लिंक मांगा था, तो ये जो है वो मैंने ली थी शॉप से, ऐप से ली थी 450 रुपये में। और प्राइस वगैरह जो है, चाहे कोई भी है वेबसाइट है या फिर ऐप है, तो वहाँ पे ना घटता बढ़ता रहता है प्राइस दिन पर दिन जो है, कभी 50-100 रुपये कम हो जाता है, कभी 50-100 रुपये बढ़ जाता है, डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है। और ये चीज़ें मैंने ना, मतलब पहले लोग बोलते थे लेकिन मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। मैंने उसको, मान लो कोई प्रोडक्ट मुझे पसंद आया है, चाहे अमेज़ोन है या कोई और भी मीशो है, तो वहाँ पे मैंने उसको ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, फिर मैं उसका प्राइस नोट करती हूँ, आज उसका प्राइस क्या है, नेक्स्ट डे उसका प्राइस क्या है, उससे मतलब 5-6 दिन उस प्राइस का कंपैरिजन करके देखती हूँ मैं, तब जाके चीज़ें खरीदती हूँ। और जिस दिन लोएस्ट प्राइस होता है ना, मैं उस दिन चीज़ें जो है वो खरीदती हूँ। तो यहाँ पे जो है फिलहाल जो है, मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी, कारण वही था, रात को हमारे यहाँ चली गई लाइट और लाइट करीबन 12:30-1 बजे के आसपास आई है। और तब तक जब बच्चों को तो फिर भी मैंने सुला दिया था, लेकिन मेरी नींद उचट गई और उस चक्कर में मुझे फिर नींद नहीं आई, सोते सोते मुझे जो है वो 2 बज गए। और फिर 5 बजे अलार्म बजा तो हिम्मत बनी नहीं कि मैं, क्योंकि सारा दिन इंसान काम करके थक जाता है, और वो जब एक प्रॉपर रेस्ट ना मिल पाए, नींद ना मिल पाए, तो वो अगले दिन के लिए इतना जल्दी तैयार नहीं हो पाता कि मैं क्या क्या काम जो है वो करूं। और गर्मी में तो वैसे ही जो है वो फिर इंसान थक जाता है और आराम ना मिले तो चक्कर जो है वो आने लगते हैं। तो गर्मी में सबका अपना एक तरीका होता है कामों को मैनेज करने का। तो आज मैं सच बताऊँ, मैं 7 बजे उठी हूँ, और एक कमेंट भी आया था, दीदी 6 बजे जल्दी होता है क्या? तो जो ये छुट्टियों में तो 6 बजे जल्दी ही होता है, नहीं तो 6 बजे तो जो है 7 बजे मेरे बच्चे, 7 बजे से पहले तो मेरे बच्चों की बस जो है वो आ जाती है, तो मैं खुद आप अंदाज़ा लगा दो 4:30 या 5 बजे जो है वो मैं उठती हूँ। तो ये कुछ कपड़े आजकल जो है वो अभी ना डेली बेसिस पे ही धो रही हूँ, क्योंकि या एक दिन छोड़ो एक दिन धो लेती हूँ, बच्चों के काफ़ी कपड़े हो जाते हैं गर्मी में, 2-2, 3-3 जोड़ी जो है वो बच्चे बदलते हैं, सुबह बदलते हैं, शाम को खेल कर आते हैं तब बदलते हैं, तो काफ़ी जो है वो कपड़े हो जाते हैं। और ये सूट जो है मुझे अलमारी में अच्छे से प्रॉपर वे में लगाने थे, तो अभी तो कुछ तो मैंने हैंगर में लगा दिए हैं, लेकिन अलमारी को साफ़ करने का टाइम मुझे आज भी नहीं मिल पाया। तो 1-2 दिन में जो है कोई आने वाला है, तो मे भी शायद क्या पता मुझे टाइम मिल जाए उसके रहते, तो अगर वो उस टाइम मिला तो मैं उस टाइम जो है वो कोशिश करूँगी कि अलमारी की मैं साफ़ सफाई जो है वो मैं कर पाऊँ। कौन आने वाला है वो आपको जो है वो कल के वीडियो में पता चलेगा कि कौन आने वाला है। तो अभी तो जो है मैं फटाफट से हैंगर में सारे सूट जो है वो मैं लगा देती हूँ, और सूट वगैरह जो है मैं खुश होकर जो है वो बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सूट वगैरह पहनना। अगर मैं सच बताऊँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जितना मान लो गर्मी है, हमने एक दिन सूट पहन लिया या 2-3 घंटे सूट पहन लिया, तो मेरे को ना फिर ये नहीं होता कि जैसे लोग करते हैं ना कि सूट जैसे 2-3 घंटे पहना उसको फैला दिया कि पसीना सूख जाएगा, तय बना के रख देंगे, फिर कभी पहनने के काम आ जाएगा, तो मेरे से ना ऐसा होता नहीं है मैं सच बताऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, मान लो 2 घंटे पहना और मैंने शाम को भी मान लो सुबह पहना, फिर दिन में चेंज कर लिया, शाम को कहीं बाहर फिर से जाना है, 2 घंटे फिर से लिया, तो उसके बाद उससे ज्यादा मैं नहीं पहन सकती उस चीज को, वो फिर मैं धोने के बाद ही जो है वो पहन पाती हूँ। तो फिलहाल जो है हिमांग की टीचर भी आ गई, तो साथ साथ में मैंने जो है वो कपड़े लगाने शुरू कर दिए क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और यहाँ पे ना मैं उल्टे करके जो है वो आज कपड़े लगा दी, सारे कपड़े ना जितने भी मैंने मशीन में डाले हैं, खासकर नए कपड़े, वो मैंने ना उल्टे करके डाले हैं, क्योंकि अभी जिस दिन मैं बच्चों के कपड़े लेने गई थी, तो उस दिन वो दुकान वाले भैया ने मेरे को बताया कि ना आप ना कपड़े उल्टे करके धोया करो, मतलब सीधे मत डाला करो, मतलब कपड़ों को उल्टा करके तब डाला करो, क्योंकि फिर वो चीज़ मुझे कुछ उन्होंने 1-2 चीज़ें बताई, तो वो मुझे भी जो है वो समझ आया। तो फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो
तो आज मैंने उल्टे करके डाला है, फिर उनको मैं धो के मैं सुखाऊंगी, फिर उनकी तय बनाऊंगी, तब जाके मैं अपना एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस पर्पज़ से भैया ने मुझे बोला था कि कपड़ों को मशीन में उल्टा करके ही डाल दो, और तो वो चीज़ें फ़ायदेमंद रहीं या नहीं रहीं। फिलहाल जो है बीच बीच में आज मेरा काम, एक तो मैं लेट ही उठी थी, ऊपर से जो है हिमांक आजकल क्या है पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मुझे बार बार जो है काम छोड़कर हिमांक के पास टीचर के पास जो है वो जाके बैठना पड़ता है, उसको सख्ताई से मुझे लेना पड़ता है, तब जाके वो काम कर रहा है, अदरवाइज़ वो काम भी नहीं कर रहा है। फिलहाल तो मैं साथ साथ में मैं क्या कर रही हूँ, मैं जैसे हमेशा मैं पहले मैं क्या करती थी कि जब मैं एक कमरे का काम करने के लिए चलती थी ना, तो उस कमरे की जैसे डस्टिंग वगैरह भी क्लिक अच्छे से करनी, बेडशीट बेड वगैरह अच्छे से लगाना, झाड़ू निकालना, सारे एक एक काम जो है एक करते हुए मैं चलती थी, ताकि एक कमरे से जब हम निकले ना, तो आपको पता चलेगा जब हम झाड़ू निकालते निकालते पूरा झाड़ू निकाल लेंगे ना, और आप घर के अंदर चलेंगे, तब आप एकदम देखेंगे आपके एक काम, एक आप झाड़ू लगाने लगे थे लेकिन आपके एक साथ ना बहुत सारे काम हो गए, जैसे आपका झाड़ू लग गया साथ में आपके बेड बन गए, साथ में आपकी डस्टिंग भी हो गई, अच्छे से जो बिस्तर वगैरह जहाँ लगाने थे वो भी लगा दिए, जो सामान आपको जहाँ पे प्रॉपर जगह पे रखना था कमरे में आपने वो भी प्रॉपर जगह से जो है वो कर दिया, तो आपको ये देखोगे एकदम से मेरे तो इतने सारे काम हो गए, बस मेरा रहता है सिर्फ और सिर्फ जो है पोछा लगाना। तो उसके चक्कर में मैं हमेशा ना मतलब अपना ये रूल, जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं इसी तरह का रूल जो है वो फॉलो करती हूँ, और ये टेक्निक हमेशा ही मेरी जो है वो काम आती है। अभी मैं इस कमरे में आई तो मैंने डस्टिंग करी, फिर मैंने जो है बेडशीट मुझे ये धोनी थी तो ये मैंने उतार दी है, साथ में स्टडी टेबल जो है वो मैं अच्छे से कपड़ा वगैरह लगा के अच्छे से अरेंज करके रख दूंगी। अभी तो बच्चों के जो है कलर और पेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर गई हुई हैं, तो फिर फिलहाल जो है मैं ये करके और फिर जो है बाकी के काम देखूंगी, क्योंकि हाथ भी मैं भी चल मतलब सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ना स्पीड में चलाऊं, और उसी चक्कर में आज मैं क्या कर रही हूँ कि वरुण को सुबह की क्लासेस की बजाय मैं शाम की क्लासेस में जो है वरुण को लेकर जाऊंगी, क्योंकि फिर वही है ना 15 मिनट आने में 15 मिनट जाने में, और फिर वही फिर वापस मैं उसको लेने जाऊंगी, फिर 15 मिनट जाने में फिर 15 मिनट आने में, तो मेरा 1 घंटा जो है वो वैसे ही जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा शाम को इतना बर्डन नहीं होता है काम का, तो मैं आज जो है हिमांक की वरुण की जो है वो शाम की क्लासेज जो है वो लगाऊंगी। और यहाँ पे ना हिमांक मेरे को बोल रहा है कि मम्मी मेरे को जो है नाली, ये जो पाइप है ना इसकी तय बनाना सिखा दो। मैं कहा बेटा देखो ऐसे ऐसे इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे बनाओ, तो मतलब इसकी इच्छा हो रही थी मम्मी नहीं मेरे को सिखा दो कि कैसे बनाते हैं इसकी तय, तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे को सिखा दो, वो वाली चीज़ जो है अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है एक स्लॉट मेरा कपड़ों का धुल गया था, दूसरा मैंने लगा दिया जिसमें हैंड टॉवल था मेरा टॉवल था, और एक बेडशीट थी जो वो मैंने लगा दी है। दूसरे रूम की बेडशीट मैं कल धोने के लिए मैं डालूंगी, और इसे भी जो है भैया भी आ गए थे दूध वाले, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी बच्चों के लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह चीला कुछ बनाने के लिए। और हिमांक को ना आजकल एक शौक और चढ़ा है कि उसको गेम के पता नहीं कहाँ से उसने क्या सीखा है, उसको ना चार्ली चार्ली खेलना होता, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रहा है, कि मतलब कैसे खेलते हैं क्या कुछ होता है मुझे पता भी नहीं था, तो आजकल वो उस गेम के लिए बड़ा वो है कि मम्मी चार्ली चार्ली जो है वो खेलना है। तो जी काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ, और बाल धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो है फ्राइडे का देख तो दिन फ्राइडे का है, ऊपर से जो है पसीने बालों में बहुत ज़्यादा हो गए, तो टाइम से अगर बाल अगर वॉश ना करो तो टूटने बहुत ज़्यादा है गर्मी में, चाहे कोई कितनी भी टेक्निक अपना ले गर्मी में एक तो पसीने में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और मैं हमेशा काम करके जब नहाती हूँ ना तो बालों को हमेशा खुला छोड़ देती हूँ ताकि मेरे बाल कम टूटे और हवा जो है बालों में अच्छे से लग जाए और बालों की जो है वो स्ट्रेंथ बनी रहे। और यहाँ पर जो है साथ साथ में मैं फेस पे क्या लगा रही हूँ, एक तो ये मेरे पास सिरम है, ये ममार्थ का ही है बीट रूट का सिरम, तो सबसे पहले मैं वो लगाती हूँ और अपनी केयर जो है ऐसा ही जो है मैं कर लेती हूँ, फेस केयर हो चाहे बालों की केयर हो अपनी खुद की केयर मैं ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद ये लगाया मैंने सनस्क्रीन, और फिर जितना मैंने काम करा है उसके बाद जैसे मान लो मैं बाहर जा रही हूँ बच्चों के साथ अभी, और फिर उसके बाद जो है अभी मैं ना शाम को नहाई हूँ, अगर मैं सच बताऊँ तो सुबह मेरी मतलब काम करने के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं, क्योंकि बच्चों का मुझे पढ़ाना भी है और भी काम करने थे तो इतनी हिम्मत बची नहीं थी कि मैं मतलब वो करूँ, और नींद मेरी पूरी हुई नहीं थी, तो काम करके जैसे ही मैं कुछ थोड़ी देर के लिए बैठी मुझे आ गई नींद,
और यहाँ पे ना मैं जो है थोड़ी देर आराम कर रही थी ताकि वरुण जो है अपना बैग वैग रेडी करे, तब तक मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें, सनस्क्रीन तो मैंने लगाई है लेकिन धूप से बचने के लिए मैंने अपने सारे इंतज़ाम जो है वो मैंने कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है किसी बॉर्डर पर जा रहे हैं तैयार होकर। और धूप से बचने के लिए ये देख लो कि क्या क्या करना पड़ता है, आप खुद देख लो। आप बोलते हो ना दीदी बताओ आप क्या क्या करते हो अपने बालों के लिए, अपने फेस के लिए, तो बाहर जाती हूँ तो बाल फेस ही नहीं, अपने हाथों को बचाने के लिए भी ग्लव्स वगैरह जो है वो पहनती हूँ। बहुत प्रोटेक्शन के साथ जो है वो मुझे निकलना पड़ता है। अभी बच्चों को लेकर मैं जा रही हूँ, वरुण को उसकी क्लासेज में छोड़ूंगी और हिमांग को मैं घर पे ही जो है वो नहीं छोड़ने वाली हूँ, साथ लेकर जाऊँगी। अच्छा एक कॉमेंट भी आया था उस दिन, जिस दिन हिमांग के दादा की बरसी थी ना उस दिन, कि आप बच्चों को घर छोड़ के गए थे, अकेले गए थे क्या बच्चों? तो बच्चों को ना मैं इतना, एक तो बाहर जाती हूँ तो मैं इतना टाइम लगाती नहीं हूँ, मैं अपना काम सोच के जाती हूँ इस टाइम तक, इस टाइम मुझे अपना काम ख़त्म करना है तो। और दोनों बच्चों को मैं अलग अलग फ़ोन देकर जाती हूँ, मेरे घर में 3 फ़ोन हैं, एक घर के लिए, बच्चों के लिए 2 मेरे हैं, तो दोनों में से एक फ़ोन मैं अपना देके जाती हूँ। तो यहाँ मैं साथ में माता रानी के लिए ड्रेस देखने आई थी लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी जो है वो ड्रेस पसंद नहीं आई, तो किसी और दुकान। तो जी शाम का टाइम हो गया, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके क्वेश्चंस जो है वो लेकर बैठी हूँ। 2-3 दिन से मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर ढंग से कमेंट्स के रिप्लाई मैंने करे हैं, लेकिन एक होता है ना कई बार क्वेश्चन जो आप छोड़ते हो तो वैसे मैं बेशक कमेंट्स में रिप्लाई दे लूँ लेकिन कई बार वो कॉमन क्वेश्चन हो जाता है तो उसको वीडियो में रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता। तो सबसे पहले एड्रेस, मेरा एड्रेस क्या है? जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांग फैमिली ब्लॉग्स के साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ और ये मेरा घर रेंट का है या अपना खुद का है। तो जी सबसे पहले मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा में मैं रोहतक से हूँ और मोखरा गाँव की मैं बेटी हूँ और छारा गाँव में मेरी शादी हुई है। और हाँ ये चीज़ें हैं, ये मेरा एड्रेस है। और जो रोहतक में भी काफ़ी सारे ऐसे जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं रोहतक में वसंत विहार से जो है वो बिलोंग करती हूँ, मैं वसंत विहार में रहती हूँ और घर मेरा जो है वो अपना खुद का रेंट का नहीं है, तो ये मेरा पूरा घर अपना है। और हाउस हेल्पर के लिए कमेंट आया था कि आप हाउस हेल्पर आपको दिखती नहीं है, तो हाउस हेल्पर मुझे ही 2 दिन से नहीं दिख रही हुई, तो मैं आपको तो क्या बताऊंगी। मतलब अभी मान लीजिए आज आई थिंक 14 तारीख है शायद, या 13-14 तारीख है और 14 तारीख में 4 छुट्टियाँ वो ले चुकी है अब तक। तो आप देख लो कि मैं हाउस हेल्पर रखूँ या ना रखूँ, जब सात मतलब महीने में 15 दिन मेरे को काम करना पड़े खुद, तो हाउस हेल्पर का फायदा क्या है? लेकिन मजबूरन मुझे नीचे के काम के लिए लगाना पड़ता है क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ध्यान दे पाऊँ, नहीं तो मेरा बहुत ऐसा नहीं है कि मैं नीचे का काम नहीं कर सकती, तो नीचे का भी मैं कर सकती हूँ थोड़ा जल्दी उठ के, लेकिन मुझे और भी काफी सारी चीजें अभी एक्सप्लोर करनी है लाइफ में, और भी काफी सारी चीजें करनी है तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए नीचे के काम के लिए मैंने हेल्पर लगाई, ऊपर का काम मैं जो है वो खुद कर लेती हूँ। शॉर्ट्स वीडियोस पे जो है वो डॉलर बनता है कि नहीं बनता? तो जी शॉर्ट्स वीडियोस पे डॉलर बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन वो एक क्राइटेरिया है कि जैसे लॉन्ग वीडियोस पे कितने व्यूज पे डॉलर बनता है उसी तरह शॉर्ट्स वीडियोस पे भी डॉलर बनता है। जहां तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं और साथ साथ में मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की भी काफी सारी वीडियोस देखी हैं और जो जिनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मेरा और उनका एकदम सेम ही है, तो शॉर्ट्स वीडियोस पे आप ये मान सकते हैं 1 लाख व्यूज के ऊपर जो है $1 बनता है, तो 1 लाख लोग जो है पर्सन जो व्यूअर आपके जो देख ले तब जाके शॉर्ट्स वीडियोस पे $1 बनता है। कोई कोई हो भी सकता है कि कम भी मैंने कम में, लेकिन मेरा और मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स का मैंने जब जहाँ तक देखा है वो 1 लाख व्यूज पे ही $1 जो है वो बनता है। और बेस्ट ब्लॉगर का आपने मुझे टैग किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब बहुत सारे आजकल कॉमेंट्स आ रहे हैं कि बेस्ट ब्लॉगर का जो है मुझे जो टैग मुझे दिया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ जो मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर के कामों को हैंडल करती हूँ, और बहुत सारे जो है मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर जो पिछले काफी साल 3 साल से करीबन जो मेरे से जुड़े हुए हैं, 3 साल में ये मेरा तीसरा चैनल है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ 3 साल में ये मेरा तीसरा चैनल है, 4 साल में ये मेरा तीसरा चैनल है। कोरोना से पहले जो है मैंने वीडियोज बनाना शुरू करा था, कुछ टाइम पहले ही शुरू करा था 5-6 महीने पहले, और वो चैनल फर्स्ट वाला मेरा हैक हो गया था कोरोना में, काफी लोगों के हैक हुए थे। उसके बाद सेकंड मेरा कुछ मजबूरियों की वजह से मोनेटाइज होने के कारण मुझे हिमांग का ध्यान ज्यादा रखना था, मुझे छोड़ना पड़ा, फिर मैंने हिमांग फैमिली ब्लॉग्स के नाम से जो है वो फिर से जो है वो शुरू करा। तो 4 साल में मेरा तीसरा चैनल है, इस चैनल को स्टार्ट हुए करीबन जो है वो 2 साल हो गए हैं। 2 साल में जो है हमारी फैमिली 48,000 की जो है वो होने वाली है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई थिंक मैंने ये 4-5 मेन क्वेश्चन जो थे
जो नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर, कुछ में से जो है एकाधा जो निकल के आता है, जो आज भी ये सोच रखता है कि उन्हें घर के काम के लिए कोई सराहे कि उनका उन्होंने काम अच्छा किया है, या फिर जो है उनको थोड़ी सी तारीफ मिले। तो मैं देखो, सच में अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मान लो आपने सब्जी बनाई है, ठीक है, अगर वो सब्जी सबने खाई है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, अगर किसी ने भी ये बोल दिया कि सब्जी और देना, और डाल के देना, एक चम्मच सब्जी और डाल दिया, दो चम्मच सब्जी और डाल दो, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने खाना अच्छा बनाया, वो आपकी तारीफ ही होती है। तो सबका अपना एक वो चीजों को समझने का एक नजरिया होता है, और मतलब नॉर्मल बनी है तो जितने में बनी है, वो एक कटोरी डाली है तो वो इंसान एक कटोरी में ही खा लेगा, अगर उसमें कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा टेस्ट कभी उनको नजर आता है तो वो और सब्जी लेते हैं, चाहे इसमें आपके बच्चे हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, या सास ससुर है, कोई भी है। तो इन चीजों से आप मत वो करो कि कोई हमें सराहे तब जाके हम और भी अच्छा काम करें, मत करो ऐसा। मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए करो कि आपको पता है, हाँ मैं अच्छा बना रही हूँ, तभी तो मेरे हाथों का सब जो है वो खाना खा रहे हैं, तो इतना हो आप अपने आप में रहो, ठीक है। तो अभी जो है वीडियो एंड कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि 6:30 होने वाले हैं, और 7:30 मुझे आज वरुण शाम की क्लासेस में ले गया, तो 7:30 बजे तक मैं वरुण को लेने जाऊंगी, और उससे पहले मुझे वीडियो जो है वो एडिट करके, एडिट हो गया, बस अपलोड कर, वॉइस ओवर करके अपलोड करना बाकी है। तो ब्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्ते।